दोस्तों मैं एक वीडियो फिर से लेकर आ गया हूँ फैशन टिप के ऊपर। आपके लिए बहुत ही फ्रेश एंड कमाल की वीडियो है ये होने वाली है। तो अगर आपको इसी तरीके फैशन की वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरीके वीडियोस के लिए। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताऊँगा वो 5 ऐसी पॉइंट बताऊँगा जिसे आप ब्लैक शर्ट के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 5 ऐसी मैं आपको इन्हीं पॉइंट बताने वाला है, आप टिप समझ लिए वो बताने वाला हूँ जिससे आप ब्लैक शर्ट अगर आपके पास है तो वो 5 तरीके से आप पहन सकते हैं इसको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। अगर आपको इसी तरीके आपके पास अगर ब्लैक शर्ट है और उसको आप कॉम्बिनेशन में बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए, ये वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किया पूरा देखें जिससे आपको समझ में आएगा कैसे आप ब्लैक शर्ट के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अच्छा सा कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इससे बहुत ही हैंडसम और सेक्सी लगने वाले हो, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो मेरा सबसे पहला पॉइंट होने वाला वो आप अगर आप ब्लैक शर्ट विद ओलिव ग्रीन पैंट, आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरीके की अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं आपका थोड़ा सा जो यानी आपकी बॉडी थोड़ी अच्छी है यानी उसका जो शेप है काफ़ी अच्छा है तो इस तरीके आप पहन सकते हैं। अगर उसके साथ अगर फॉर्मल शूज़ आप पहनेंगे तो ये आपको अलग लेवल एक लेके जाएगा और बहुत ही अट्रैक्टिव आपको बनाएगा। अगर आप ब्लैक शर्ट विद ओलिव ग्रीन पैंट पहनते हैं और उसके साथ अगर फॉर्मल शूज़ पहनते हैं यानी फॉर्मल शूज़ में अगर आप ब्लैक या ब्राउन दो कलर मैं आपको बताऊंगा, दो कलर अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने एक सेकेंड पॉइंट की ओर। तो सेकेंड पॉइंट में मैं आपको बोला ब्लैक शर्ट विद ग्रे पैंट, और ब्लैक शर्ट विद ग्रे पैंट अगर आप पहनते हैं और उसको थोड़ी सी आपको क्या करना है जो मैं आपको किस बता रहा हूँ, ये आपको फिटिंग की ही पहननी है यानी आपको अपने जो शरीर के हिसाब से आपको फिट करा के उसको पहनना है यानी ढीला ढाला सा नहीं पहनना है, इससे आप हैंडसम नहीं दिखोगे। तो अगर इसके मैं यहाँ पे नीचे शूज़ की बात करूँ तो अगर यहाँ पे आप वाइट स्नीकर्स अगर आप पहनते हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी के तो आप इसमें बहुत ही हैंडसम दिखने वाले हो। तो बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। अगर थर्ड पॉइंट की ओर अपने बात करते हैं तो उसमें से मैंने लिया हुआ है ब्लैक शर्ट विथ लाइट ब्लू डेनिम जीन्स। लाइट ब्लू डेनिम जीन्स अगर उसमें से अगर थोड़ा जो यहाँ पे स्टकी टाइप के होते हैं अगर उस तरीके आप पहनेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे यानी जो डेनिम की आती है थोड़ी सी आप अगर क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी का परचेज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसमें भी आपको वाइट स्नीकर्स ही पहनने हैं, बहुत ही अच्छे लगोगे आप। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। तो हम अगर फोर्थ पॉइंट पे मैंने लिया है ब्लैक शर्ट विद चेक्ड डार्क पैंट, यानी जो चेक्ड वाली पैंट आती है वो मैंने ली यहाँ पे, जिससे आप ब्लू या चेक ले सकते हैं या कोई भी डार्क जो कलर हो उसमें आप चेक ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ब्लू या ले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर लाइट ब्लू लेते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा आपके ऊपर। और इसमें भी आप कैजुअल शूज़ पहन सकते हैं, स्नीकर भी पहन सकते हैं, दोनों में से किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। इसमें मैं 2 चॉइस रखता हूँ शूज़ के लिए। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। तो फिफ्थ पॉइंट में मैंने ली है ब्लैक शर्ट विद ऑफ वाइट बैक पैंट। आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरीके की अगर आप पैंट लेंगे तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेंगे। और इसमें भी आप फॉर्मल शूज़ या स्नीकर्स आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेंगे। और इसमें अगर आपके पास वॉच है तो वॉच आप सारे में यूज़ कर सकते हैं जो मैंने 5 टिप्स बताई है। इसमें आप अगर अच्छी क्वालिटी के वॉच है तो आप वॉच यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आप बहुत ही हैंडसम दिखेंगे इस चीज़ में। तो ये के कुछ 5 टिप्स जो यानी 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए जिससे आप ब्लैक शर्ट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अपनी जो मैंने पैंट्स बताई अगर आपके पास हैं। अगर आपके पास इसमें से 2-3 पैंट तो आप इस तरीके कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने एक ब्लैक शर्ट से। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके फैशन टिप्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।